इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और प्यार। यह वीडियो वॉइस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से संबंधित है और विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वे कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस विद्यार्थी देख सकते हैं। तो ये वीडियो जिसमें वॉइस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, यदि ये पॉइंट्स विद्यार्थी याद कर लेंगे तो उन्हें वॉइस से संबंधित क्वेश्चंस हल करने में बहुत मदद मिलेगी। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वॉइस के क्वेश्चंस हल करने से पहले आपको आपके ध्यान में होने चाहिए। तो ये शुरू करते हैं। 1. When we convert a sentence from the active voice into the passive voice, the places of the subject and the object are interchanged in the passive voice. यानी जब हम एक सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह बदल लेते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह बदल लेंगे पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल, ही राइट्स एन एसे, ये एक्टिव वॉइस में है। इसमें ही अंडरलाइन वर्ड ही सब्जेक्ट है और एन एसे ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बना एन एसे इज रिटन बाय हिम। तो हम देख रहे हैं कि अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया है एन एसे और ऑब्जेक्ट हो गया है हिम। ये हिम ऑब्जेक्टिव केस है ही का। तो यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने जगह बदल ली है। इस एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। ए पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जरूर आती है, एक पास्ट पार्टिसिपल जरूर होता है, यह भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, ए फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। बी वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म, जैसे बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग, इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल इन द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म जरूर होगी, चाहे वो बी हो, इज हो, एम हो, आर हो, वाज, वर, बिन, बीइंग, इनमें से कोई ना कोई फॉर्म जरूर मिलेगी आपको पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल से देखते हैं। शी इज राइटिंग ए बुक, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय हर। तो पैसिव वॉइस में देख रहे हैं इज है, बीइंग है, ये बी की फॉर्म है, नजर आ रही है हमें। ऐसी अगला सेंटेंस देखो, ही रिब्यूक्ड हर, ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, शी वॉज रिब्यूक्ड बाय हिम। अब वॉज देख रहे हैं हम, बी की फॉर्म है। तो बी की कोई ना कोई फॉर्म, एक उचित यानी एक उचित फॉर्म बी की जरूर आएगी पैसिव वॉइस में। ऐसे अगला सेंटेंस देखते हैं, शी विल कुक द फूड, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बनाया, द फूड विल बी कुक्ड बाय हर। यहां हम बी देख रहे हैं। तो बी की कोई ना कोई एक उचित फॉर्म जरूर लगती है पैसिव वॉइस में। ये सीखा हमने तीसरे पॉइंट से। नंबर 4, व्हेन वी टर्न एन एक्टिव वॉइस इनटू ए पैसिव वन देयर इज नो चेंज इन टेंस ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ओरिजिनल सेंटेंस जो था एक्टिव वॉइस में उसके टेंस में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है वो सेंटेंस, तो पैसिव में भी प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, शी बायज अ बुक, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है बायज, पता लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, कोई प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। पैसिव वॉइस में क्या है, ए बुक इज बॉट बाय हर, यह भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, यहां वॉज नहीं आ सकता, प्रेजेंट टेंस है, ए बुक वॉज नहीं हो सकता, इज लगेगा नियम के अनुसार। और ध्यान रखें विद्यार्थी कि हम नरेशन नहीं बदल रहे हैं, वॉइस बदल रहे हैं। टेंस के बदलाव नरेशन में हो सकते हैं, वॉइस में नहीं। एक्टिव वॉइस यानी ओरिजिनल सेंटेंस जिस टेंस में होगा वही टेंस पैसिव वॉइस में होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी बॉट अ बुक, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, ये बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, ये पैसिव वॉइस में बनाया, ए बुक वॉज बॉट बाय हर, तो हम देख रहे हैं वॉज लगा है यहां, इज नहीं, पास्ट टेंस रखना पड़ा हमें, क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस एक्टिव वॉइस का पास्ट टेंस में है, तो हमने पैसिव वॉइस में भी पास्ट टेंस को बरकरार रखा है। पांचवां पॉइंट देखते हैं, इफ द एक्टिव वॉइस इज इन ए क्वेश्चन फॉर्म द पैसिव वॉइस विल आल्सो बी इन ए क्वेश्चन फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस एक कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, यानी क्वेश्चन फॉर्म में है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, विल दे बाय दिस हाउस, ये एक्टिव वॉइस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन है, ये एक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, विल दिस हाउस बी बॉट बाय देम, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ा हमें, क्योंकि एक्टिव वॉइस एक क्वेश्चन है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, The preposition by is generally used before the object यानी agent in the passive voice। तो passive voice में agent यानी object से पहले by का आमतौर से प्रयोग होता है, by preposition का। एग्जाम्पल देखते हैं, she bought a pen, एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, a pen was bought by her, तो हमने यहां by लगाया है, आमतौर से बाई लगता है। मैंने लिखा कि बाई इज जनरली यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट और एजेंट इन द पैसिव वॉइस, आमतौर से बाई लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता, एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। जैसे पीपल कॉल्ड गांधी जी बापू, लोग गांधी जी को बापू कहते थे, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, गांधी जी वॉज कॉल्ड बापू। अब बाई पीपल ऑप्शनल है, हम बाई पीपल हटा सकते हैं पैसिव वॉइस में। यदि पैसिव वॉइस में डूअर यानी एजेंट को बताना जरूरी ना हो, अर्थात उसके बगैर भी पूरा अर्थ निकल रहा हो, तो हम बाई और एजेंट यानी डूअर वाली फ्रेज पैसिव वॉइस से हटा सकते हैं। तो यहां जरूरी नहीं है बाई पीपल लगाना, तो गांधी जी वाज कॉल्ड बापू, इतना ही काफी रहेगा, तो हम बाय पीपल यहां हटा सकते हैं पैसिव वॉइस में। फिर सुन लीजिए, यदि पैसिव वॉइस में डूअर यानी एजेंट को बताना जरूरी ना हो, अर्थात उसके बगैर भी पूरा अर्थ निकल रहा हो, तो हम बाय और एजेंट यानी बाय और डूअर वाली फ्रेज पैसिव वॉइस से हटा सकते हैं। यहां एक संकेत यह भी है कि पीपल से शुरू है, उसके बाद वर्ब है, तो हम बाय पीपल पैसिव वॉइस में हटा सकते हैं, उसके बगैर भी पैसिव वॉइस ये ठीक माना जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, समवन स्टोल हर रिंग, किसी ने उसकी रिंग चुरा ली, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हर रिंग वॉज स्टोलन। बाई समवन लगाना जरूरी नहीं, यहां पे पैसिव वॉइस में बाई समवन जरूरी नहीं है। संकेत क्या है, यदि डूअर अननोन हो, यदि डूअर अननोन हो, तो पैसिव वॉइस में से बाई और एजेंट वाली फ्रेज हटाई जा सकती है। यहाँ समवन किसी ने उसकी अंगूठी चुरा ली, अब यहाँ समवन ये अननोन है, समवन समबडी अननोन है, तो हम यहाँ बाई समवन यहाँ जरूरी नहीं है, इतना ही काफी रह सकता है कि हर रिंग वॉज स्टोलन। एक और देखते हैं सेंटेंस, जब हम बाई नहीं लगाएंगे। दिस जग कंटेन्स मिल्क, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में क्या होगा? मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग, हमने इन लगाया बाई नहीं। तो यहां इन क्यों लगाया? कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई की बजाय कोई अन्य प्रीपोजिशन लगता है, जैसे कंटेन के साथ बाई नहीं इन लगता है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहां बाई के बजाय कोई अन्य प्रीपोजिशन लगता है पैसिव वॉइस में। यहां कंटेन वर्ब है जो, उसको देखते हुए हमने इन लगाया, बाई नहीं लगाया, तो बना पैसिव वॉइस मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। तो ये हमने कुछ सेंटेंस बताए जहां बाई का प्रयोग नहीं हुआ है या बाई की बजाय कोई दूसरा प्रपोजिशन लग गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हो वॉइस से संबंधित। तो वॉइस के क्वेश्चंस हल करने से पहले ये पॉइंट्स यदि आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चंस हल करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ठीक समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक बात और कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।